आज इनफैक्ट मेरा फर्स्ट डे रिहर्सल्स का, बट थैंकफुली यू नो पहले हम लोग शोज कर चुके हैं, तो आई एम लिटिल ईजी राइट नाउ, बट खाली एक दो सॉन्ग्स है जो मुझे एक्स्ट्रा सीखने हैं, सो या दैट उसका थोड़ा प्रेशर है मुझे अभी. आई एम वेरी एक्साइटेड आई वुड से. आई मीन जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत नर्वसनेस बहुत ज़रूरी है, तो वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस है अच्छा परफॉर्म करने की. बट अगेन एज यू सेड दैट यू नो दिस इज़ अ फर्स्ट शो, लाइक हम पहले हमारे दबांग टूर के लेग्स कर चुके हैं, पर हमारे इंडिया में हमने एक भी नहीं किया है. एंड वॉट बेटर वे टू स्टार्ट विद द कैपिटल ऑफ द कंट्री इट्सेल्फ विच इज़ दिल्ली. एंड आई हैव हर्ड दैट यू नो the amount of tickets which have sold out right now, right. And so I'm assuming that we are going to have a great audience. And what really matters to a performer is ki audience ki energy kitni matter hoti hai, theek hai. To iske andar koi doubt nahi hai ki humko energy nahi milne wali hai kyunki hamara home country hai. And yeah, so I'm super excited to perform actually. नहीं एक्चुअली दिल्ली में मैंने अभी तक एक भी बार ही परफॉर्म नहीं किया है. हालांकि मैंने अपीयरेंसेस काफ़ी किए हैं वहाँ पे, इवेंट्स काफ़ी किए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ अ शो नो आई हैव नॉट डन एनी. बट ऑल आई कैन से इज दैट आई रियली लव द वाइब देयर, स्पेशली विंटर्स. मतलब यू नो नॉर्थ इज़ द ओनली प्लेस वेयर हमारे मतलब एक्चुअली यू नो ट्रेंच कोट्स निकलते हैं, बूट्स निकलते हैं. सो या इन अ वे आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर. मतलब ट्रू ठंडी जो होती है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलेगी. प्रीटी मच सेम सॉन्ग्स है, खाली जो आजा माही मेरा जो नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है हमने वो ऐड किया है उसके अंदर, अदरवाइज द सॉन्ग्स आर प्रीटी मच द सेम. मैंने इतने शोज़ में जो एक्सपीरियंस किया है कि मतलब सलमान खान इज़ ट्रूली अ सुपर स्टार. द अमाउंट ऑफ लव दैट ही गेट्स फ्रॉम द पीपल ऑल ओवर यू नो ऑल ओवर द ग्लोब, इट्स अमेजिंग. और जब हम हमारे खुद के कंट्री में परफॉर्म करने वाले हैं, तो imagine the amount of love you know and the screaming that he's going to get. Again, when you are like performing with Salman Khan on the same platform, you feel really happy, you know, that you are getting associated with one of the mega stars of our country. So yeah, I think I'm very fortunate that Bollywood is like loved all over. Matlab hamare, I'll put it in another way, ki hum Indians har jagah hai na. तो आई थिंक जहाँ जहाँ इंडियन है वहाँ वहाँ बॉलीवुड है, राइट? तो उसके अंदर कोई शक नहीं है कि जहाँ बॉलीवुड नहीं है वहाँ पे कोई सुपरस्टार नहीं है, राइट? तो अभी इसलिए मैंने कहा कि अभी तक हमें जितना प्यार मिला है वो बहुत ही अच्छा था. एंड आई विल रिपीट दिस अगेन, क्योंकि हम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारी खुद की कंट्री का एक पार्ट है, कैपिटल है हमारी कंट्री का. तो जब हमें जो हिसाब का प्यार बाहर की कंट्रीज़ में मिला है वो अनबिलीवेबल था, तो यहाँ अनबिलीवेबल के ऊपर का कुछ अगर नाम है तो वो होने वाला. जी, टेक्निकल्स बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वी नीड टू गेट फेमिलियर विद द स्टेज. यू नो देर आर फ्यू थिंग्स, जैसे आइल्स होती है, विंग्स होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, तो उसके लिए एक बार रिहर्सल, इसलिए टेक्निकल्स करनी बहुत ज़रूरी होती है. बट वो प्रीटी मच फिनिश हो जाता है, मतलब वो एक रन थ्रू होता है कि जैसे शो होने वाला है, कौन किसके बाद परफॉर्म करने वाला है. सो इट्स प्रीटी मच लाइक दैट. बट या टू गेट फेमिलियर विद द स्टेज यू हैव टू डू द टेक्निकल्स. एंड हम 9th को निकलने वाले हैं, 10th को शो है, सो आई एम प्रीटी मच अज्यूमिंग कि हम 9th की रात को टेक्निकल्स करेंगे. आई एम शूटिंग फॉर रेस 3 राइट नाउ. हमने अभी बॉम्बे का स्केड्यूल ख़त्म किया है. हमारा नेक्स्ट स्केड्यूल अबू धाबी में है, जो कि जनवरी में स्टार्ट होने वाला है. सो या आई थिंक ये हमको जो बीच में इतना जो 3 हफ्ते मिले हैं वो आर we'll use it for our own benefits, you know, we'll work hard on our bodies and look the best for the film. मैं पहले करती थी बिलीव, पर वो बिलीव हट गई क्योंकि वो रेजोल्यूशन जो है वो फॉलो होता नहीं है पूरे साल. नहीं वो स्टार्टिंग के मतलब वो भपका जो होता है ना स्टार्टिंग के एक हफ्ते तक रहता है, अरे मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, दूसरे हफ्ते से अरे छोड़ना है यार क्या फ़र्क पड़ता है. सो नहीं छोड़ दिया, अभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना ही छोड़ दिया. नहीं एक्चुअली नहीं, मेरी फैमिली आ रही है अहमदाबाद से, माय रिलेटिव्स आर कमिंग, सो आई माइट स्पेंड टाइम विद देम. इफ नॉट देन अगर 31st का कोई न्यू ईयर का मेरा शो हो रहा है, देन आई विल बी परफॉर्मिंग फॉर अमेजिंग ऑडियंस अगेन समवेयर. सो द टॉक्स आर स्टिल ऑन. सो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये पहली बार है हम हमारे खुद के होम कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं. हमको पता है कि आपका प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, पर ट्रस्ट मी वो बहुत से भी बहुत 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 ज़्यादा चाहिए. सो एंड आई रियली प्रॉमिस यू दैट इट्स गोना बी एन अमेजिंग इवनिंग एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग इवनिंग ऑफ योर लाइफ. सो
get ready for it.